आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला जिले में गैंगरेप के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुमला थाना क्षेत्र के चोहरू अघिरपुरवा गांव में बीती शाम 12 वर्षीय लड़की काल्पनिक नाम अनिता कुमारी के साथ उसी गांव के दो लड़कों के द्वारा नाबालिग युवती जब शौच के लिए निकली तभी दो युवक उसे जबरन नदी की तरफ ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म पीड़िता ने अपने घर वापस लौटकर अपने घर में आप बीती बताई। परिजनों के द्वारा गुमला थाना में केस दर्ज कराया गया। गुमला पुलिस के द्वारा मामले की जांच करते हुए दोनों दुष्कर्म के आरोपी एक अर्जुन उराव दूसरा अनिल उराव को गांव के खलिहान में रखे धान के गठरियों के बीच से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि सुबह में दो लड़कों के द्वारा पीड़िता को जबरन घसीटकर नदी किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वह बाद में पीड़िता के द्वारा घटना की जानकारी गुमला पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो उन्होंने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार भी किया। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। चोहरू गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होने का खबर मिला था। उस खबर का सत्यापन के लिए थाना प्रभारी गुमला के नेतृत्व में हम लोग टीम का गठन करके टीम को भेज दिया था। अब लड़की के द्वारा बताया कि सुबह इनको दो व्यक्ति मिलके अनिल उराव और अर्जुन उराव मिलके इनको खसीड़ के ले जाके नदी किनारे इसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई किया और हम लोग 24 घंटा के भीतर दोनों अभियुक्त को अरेस्ट किया और दोनों को हम लोग जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। दुष्कर्म का बात तो सही है, हम लोग मेडिकल जांच भी किया है, हम लोग बाकी जो एविडेंस कलेक्ट करना है उस पर हम लोग लगे हुए हैं।